हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी एंड दिस इज आवर चैनल कैट फॉर एमबीए। आज टेस्टनेट टेस्ट सीरीज का टेस्ट 6 है एंड टुडेस टॉपिक फॉर द टेस्ट इज इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो आई होप गाइस आप लोगों ने सारे इस टेस्ट की सीरीज को फॉलो किया है। वी हैव कवर्ड अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, वी हैव कवर्ड इंपॉर्टेंट मर्जर्स, वी हैव कवर्ड इंपॉर्टेंट डेज, कॉर्पोरेट जीके, कल बुक्स एंड ऑथर्स था एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। ओके, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के ऊपर ये टेस्ट होने वाला है। तो आई होप एवरीबॉडी इज रेडी। So very good morning to all the learners on Unacademy. Good morning guys. शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन my name is Rishikesh Kate, MBA LLB, 6+ years of teaching experience and I've taught more than 4,000 students for various entrance exam. Guys, I'm also a part of this amazing team of Cat for MBA who are ready to enhance your MBA entrance preparation. We have some really good educators with us who have 10+ years of teaching experience and guiding the students for various entrance exam. So do check out the courses given by Ritu ma'am, Apurva ma'am and Siddhi ma'am, jo aapko English, that is VARC ke liye prepare karenge. रौनक सर एंड आकाश सर जो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करेंगे एंड सुरेश सर एंड श्याम सर फॉर LR एंड DI एंड ऑफ कोर्स आई एम हियर आई विल बी गाइडिंग यू फॉर योर GK एंड करंट अफेयर सेक्शन फॉर वेरियस एंट्रेंस एग्जाम। ओके नाउ गाइस, हम सब लोगों को पता है कि कैट और स्नैप, ये जो दो मेजर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें GK और करंट अफेयर्स का सेक्शन नहीं होता है। However, there are other exams such as JAT, MAT, CMAT, NMAT, IIFT and TISS. इसमें GK और current affairs का section होता है and that plays a very, very, very important role in boosting your overall score. तो हम मेरे sessions में गए GK और current affairs के का preparation करेंगे so that nobody will be left behind और सब लोग अच्छे से score कर सके GK section में. Very good morning guys. Hi Durgesh, good morning. Hello Purva. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। आगे चलते हैं गाइज, अजेंडा फॉर टूडेज क्लास, वी आर गोइंग टू टेक द टेस्ट, ट्रैक आवर प्रोग्रेस। सो दिस इज आवर यूट्यूब चैनल गाइज। अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो राइट अहेड, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अनअकैडमी कैट फॉर MBA। प्लीज चेक आउट ऑल द वीडियोज जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिकल इश्यूज, डायनामिक GK, स्टैटिक GK, करंट अफेयर, बहुत सारे क्विज मैंने कंडक्ट किए हैं गाइज आपके लिए। तो प्लीज गो अहेड एंड प्लीज 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 लाइक एंड शेयर द वीडियोज देयर। हमारा टेलीग्राम चैनल है कैट फॉर MBA, वेयर यू कैन गेट ऑल द रीसेंट अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल द सेशंस दैट वी डू थ्रू आउट द डे ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन अन अकेडमी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो कैच अप विद मी on my personal telegram channel, that is unacademy_rishikeshkate. okay guys, so aap yahan par mujhse baat kar sakte hain. Hello Mandar bhau, good morning, welcome to the class. So the big question for today, why unacademy plus subscription? The nation wants to know really. So guys, unacademy ka plus subscription is not only a subscription but it's an enhanced learning experience with high tech features brought to you by अनअकैडमी। तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो QA हो, VARC हो, LRDI हो, GK एंड करंट अफेयर्स हो, उसके रिलेटेड एग्जाम स्पेसिफिक कोर्सेज आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो आपका प्रिपरेशन एनहेंस होने के साथ साथ वो सिंप्लीफाई भी हो जाता है। फिर हमारा जो रैंडम इम्पल्स होता है, किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कोई भी टेस्ट को हम अटेम्प्ट करते हैं एंड खुद को जज कर बैठते हैं, व्हेन वी डोंट स्कोर गुड, तो गाइज यू विल हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द क्विजेस एंड द टेस्ट मटेरियल ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। तो आप अपने प्रोग्रेस को एक बेहतरीन वे में ट्रैक कर सकते हैं। फिर अनअकैडमी का जो फ्लैगशिप फीचर है, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट ऑफ अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, इज द लीडर बोर्ड। ये आपको हल्के से कॉम्पिटिशन का एहसास दिलाता है। व्हेनेवर यू टेक अ क्विज और अ टेस्ट ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म, योर रैंक इज रिफ्लेक्टेड ऑन द लीडर बोर्ड एंड दिस इज हाउ यू कम टू नो वेयर डू यू स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन, और फिर अकॉर्डिंगली आप अपने स्ट्रैटेजी को, प्रिपरेशन को मोल्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और उस कॉम्पिटिटिव एज को मेंटेन कर सकते हो। गाइस, फिर हमारा एक बहुत ही अजीब और गरीब दोस्त होता है हमारे प्रिपरेशन में, दैट इज डाउट्स। ओके, हम बेसिक से लेकर एडवांस तक की पढ़ाई करते हैं एंड वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ डाउट्स इन बिटवीन जो हम ठीक से एड्रेस नहीं कर पाते। तो अनअकैडमी के जितने भी प्लस एडुकेटर्स हैं, दे ऑफर यू लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस राइट इन द मिडल ऑफ द कोर्स so that you can address all your doubts. इसके अलावा बहुत सारे benefits है guys. You can have detailed report of your performance anytime, anywhere, access to all the content on the plus platform आपके description के ऊपर।
guys, these are some benefits of the Plus platform. How do you go for this amazing subscription, guys? सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड करना होगा. डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल कीजिए. इंस्टॉल करने के बाद गो इन द प्लस सेक्शन. प्लस सेक्शन में आपका कोर्स सिलेक्ट कीजिए, दैट इज कैट. देन सिंपली क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. ओके, जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे यू विल सी अ विंडो जहां पर आप एक डिस्काउंट कूपन डाल सकते हो जो स्ट्रेट अवे आपको 10% डिस्काउंट दे देगा. दैट इज माय नेम रुशी. ओके, RUSHI. बिल्कुल नहीं भूलना है गाइज व्हेन यू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन. वैसे तो बहुत सारे सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है बट आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर द 1 year सब्सक्रिप्शन प्लान दैट गोज फॉर 15,750 rupees ओनली. एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अर्ली विथ योर प्रिपरेशन, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है आपके ग्रेजुएशन का, थर्ड ईयर है आपके इंजीनियरिंग का, गो फॉर द 2 year सब्सक्रिप्शन प्लान दैट गोज फॉर 18,900 rupees ओनली. ओके, तो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. मेरा प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है 12 November से. आई एम ब्रिंगिंग प्लस कोर्स फॉर यू 12 November. मैंने ऑलरेडी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी को प्लस में कवर किया है. कॉर्पोरेट जो भी डायनामिक जीके है उसे प्लस में कवर किया है. दिस मंथ आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू इंडियन ज्योग्राफी. ओके, इंडियन ज्योग्राफी में प्लस कोर्स में आपके लिए ले रहा हूँ. तो प्लीज गाइज एवरीबडी सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सी इन माई प्लस कोर्सेज. ओके, सब लोग मुझे प्लस कोर्सेज में दिखने चाहिए. वेरी गुड मॉर्निंग सब लोग. गुड मॉर्निंग रेडन सर, आई ट्राइड ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल बट इट्स नॉट शोइंग. कैट फॉर MBA सर, हाउस पोल्यूशन देर? पोल्यूशन इज रियली बैड रेडन, बट पुणे का एनवायरमेंट थोड़ा बहुत तो अच्छा ही है. पोल्यूशन है बट इतना ज्यादा नहीं है. बट हावेवर पुणे ऑलवेज हैज अ प्लेजेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंट या फिर एटमोसफियर, स्पेशली इन विंटर्स. विंटर्स में बहुत ज्यादा सही होता है. ओके, तो चलो गाइज शुरू करते हैं आज के सेशन को. लेट स्टार्ट. हेलो अनुकृति, वेरी गुड मॉर्निंग. मंदार बाबू, नितेश को जरा फोन करो एक बार, कहाँ पर है देखो. ओके गाइज, लेट स्टार्ट, लेट्स क्रैक इट. मेरा आवाज वगैरह सब सही आ रहा है एवरीबॉडी? ओके सर, लेट मी नो, आई वॉन्ट टू अटेंड द GD सेशन. यस पूर्वा, यस सी टेलीग्राम में टाइप इन कैट फॉर MBA. ओके, कैट फॉर MBA GD ग्रुप टाइप करो टेलीग्राम में, आपको ग्रुप मिल जाएगा. और एल्स आज शाम को जो ये होगा स्पेशल क्लास होगा उसमें मैं लिंक को पिन कर दूंगा. ओके, शाम को 7 बजे और 8:30 बजे आज TISS पेपर 2015 का एनालिसिस करेंगे हम लोग. GK सेक्शन आज टेस्ट है ना, 2 बजे आपका टेस्ट होगा तो उसका GK सेक्शन का एनालिसिस हम 8:30 को करेंगे. 8:30 GK सेक्शन एनालिसिस. ओके चलो गाइस शुरू करते हैं. हाय वंदना, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन, ओके फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ पेटीएम मनी? पेटीएम मनी का नया CEO कौन है? हु इज द न्यू CEO ऑफ पेटीएम मनी? कम ऑन गाइज, गुड मॉर्निंग विभव, गुड मॉर्निंग. मंदार ने कहा ए. बाकी लोगों को क्या कहना है? मंदार सेड ए. वंदना ने कहा ए. दुर्गेश ने कहा ए. कम ऑन गाइज, फटाफट. बाकी लोग, चेतन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास चेतन. इज इट वरुण श्रीधर, ऋषि कुमार, प्रवीण जाधव या फिर कार्तिक पांडे? नितेश लेट हो गया बाबा तू, आज तेरे साबुन के साथ साथ तू भी स्लो हो रहा है क्या आजकल? चलो जल्दी. पूर्वा रेडन, व्हाट आर योर आंसर्स? पूर्वा रेडन, अनुकृति,
पूर्वा रेडन, अनुकृति रेडन। रेडन आपका असली नाम रोहित है ना? विभव ने कहा पता नहीं सर, पोल्स देख रहा था। मैंने लास्ट चेक किया था तो महागठबंधन लीड पर था। ओके सो द करेक्ट आंसर इज वरुण श्रीधर गाइज। ओके द करेक्ट आंसर इज वरुण श्रीधर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पेटीएम मनी। ओके पेटीएम मनी का नए सीईओ इज वरुण श्रीधर। श्रीसर नहीं है वो, श्रीधर है। ओके देर शुड बी अ डी। नेक्स्ट एनडीए 136 123 101 यूपीए रोहित। यस ओके। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी सेटअप बाय IFSCA टू सजेस्ट वेज फॉर डेवलपमेंट फॉर इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस। ओके इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस के लिए IFSCA इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। IFSCA। ओके IFSCA। वेरी गुड मॉर्निंग रिशु, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। सो हु इज द हेड ऑफ कमिटी सेटअप बाय IFSCA टू सजेस्ट वेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस। शेखर सिंह, प्रदीप शाह, सुमित शर्मा, कुमार प्रताप। नितेश ने कहा ए, वंदना ने कहा ए, रिशु ने कहा ए, मंदार ने कहा बी, रोहित ने भी कहा बी, पूर्वा ने भी कहा बी, दुर्गेश ने भी कहा बी, दुर्गेश ने भी कहा बी। कम ऑन गाइस, फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग, चेतन ने भी कहा बी। ओके ग्रेट गाइस, ग्रेट। एंड सोनाली तालुकदार, हेलो सोनाली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास, गुड टू सी यू इन माय यूट्यूब क्लास टुडे, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड द करेक्ट आंसर इज बी गाइस। ओके करेक्ट आंसर इज बी, प्रदीप शाह इज द हेड ऑफ द कमिटी सेटअप बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, देर आर 30 क्वेश्चंस इन टुडेज टेस्ट। ओके 30 क्वेश्चंस है तो नो बडी विल लीव द क्लास बिफोर अटेम्प्टिंग 30 सेशंस, 30 क्वेश्चंस। ओके सारे के सारे 30 क्वेश्चन सब लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। डू नॉट लीव द क्लास बिफोर दैट। ओके इवन इफ यू डोंट नो द आंसर दैट इज फाइन, एटलीस्ट यू विल नो द आंसर। ओके आपको आंसर पता तो चल जाएगा। सो प्लीज डू नॉट गो विदाउट अटेम्प्टिंग ऑल द 30 क्वेश्चंस। ओके मार्क फिलिप्स हैज बीन स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। कौन से देश का प्राइम मिनिस्टर बने हैं मार्क फिलिप्स? रेडन ने कहा ए, ऋषु ने कहा ए, वंदना ने कहा बी, नितेश ने कहा बी, मंदार भाऊ ने कहा बी, पूर्वा ने कहा ए, विभव ने कहा ए। ओके चेतन ने कहा ए। यस बाकी के लोग, व्हाट आर योर आंसर गाइस? अनुकृति, सोनाली, आपका आंसर क्या है? अनुकृति एंड सोनाली, अनुकृति ने कहा ए। ओके सोनाली, मे आई हैव योर आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज ए गाइज, ए गुयाना। ओके मार्क फिलिप्स वॉज ए फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ। ओके फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ फॉर द कंट्री गुयाना। कैन यू टेल मी हु इज आवर चीफ ऑफ स्टाफ? हमारे चीफ ऑफ स्टाफ कौन है? हाय अचल, गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन माई क्लास टूडे अचल। अपने चीफ ऑफ स्टाफ कौन है, इंडिया के चीफ ऑफ स्टाफ कोई बता सकता है? कैन एनीबडी टेल मी? बिपिन रावत। यस जनरल बिपिन रावत फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बने हैं ना वो चीफ ऑफ स्टाफ, बिपिन रावत। ओके सर इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ ईयर 2021 सेशन इस पे भी ओके करेंगे जरूर, दिसंबर में करेंगे, दिसंबर में बिफोर TISS, वी विल डू इट इन बिफोर TISS। चलो इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ व्हाट, पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट। सर आप गेमिंग करते हो क्या? इवन इफ यू डोंट प्ले डू ट्राई ABZU, इट्स रियली सूदिंग एंड पीसफुल गेम, जरूर ट्राई करता हूँ मंदार भाऊ।
I have a PS4 with me, but I really don't get time to play. मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट. यस रेडन करते हैं. विल डू दैट विल डू दैट. सुहेल समीर वॉज अपॉइंटेड एज द ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ विच फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म. सुहेल समीर कौन से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म के ग्रुप प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किए गए थे. मंदार इनको कुछ बताओ मत, ये बस बोलते हैं मैं दिखता हूं करता. अरे बाबा टाइम नहीं होता नितेश, सही में टाइम नहीं होता, इसीलिए अब कोर्ट वोट का भी थोड़ा देखना पड़ रहा है, तो आई एम रियली फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. बट दिवाली के 2 दिन छुट्टी है, उस दिन आई विल चेक आउट ऑल द वीडियोज दैट यू हैव टोल्ड मी एंड आई विल ऑल्सो प्ले गेम्स, गेम्स भी खेलूंगा. नितेश ने कहा बी, मंदार वंदना ने कहा बी, रेडर रोहित ने कहा बी, मंदार ने कहा बी, वेरी गुड. अनुकृति ने कहा डी, ऋषु ने कहा बी, चेतन ने कहा बी, विभव ने कहा पता नहीं. हेलो पूजा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. पूजा ने कहा बी. ओके पूजा ने कहा बी एंड दुर्गेश ने भी कहा बी, आंचल ने कहा बी. प्ले फीफा. यस एंड द करेक्ट आंसर इज भारत पे. ओके करेक्ट आंसर इज भारत पे. आई एम लास्ट टाइम मैंने कुछ 3 4 पहले मैंने पहले खेला था. आई वॉज प्लेइंग हॉराइजन, मैं हॉराइजन खेल रहा था. इट्स अ वेरी गुड गेम. चलो नेक्स्ट. अगला सवाल ये रहा आप सब लोगों के स्क्रीन पर. हु इज द चेयरमैन ऑफ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंसिडर द लॉजिस्टिक्स इथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन. कोविड-19 वैक्सीन के कमिटी के चेयरमैन कौन है ऑफ एवरीथिंग. लिथिकल है, इथिकल है, लॉजिस्टिक्स है, प्रोक्योरमेंट है एंड एडमिनिस्ट्रेशन है. यस गाइस, एस के सिन्हा, पी के सरदाना, या फिर वी के पॉल, या फिर टी के जैन. एस अनुकृति ने कहा ए, नितेश ने कहा ए, वंदना ने कहा ए, वैभव विभव ने कहा ए, दुर्गेश ने कहा ए, ऋषु ने कहा ए, चेतन ने भी कहा ए. ओके ओके आंचल ने भी कहा ए. वेरी गुड गाइस वेरी गुड. और मंदार भाऊ व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज योर आंसर मंदार भाऊ. रेडन ने कहा सी. और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन किसी ने भी ए ये आंसर दिया है आप लोग बिल्कुल गलत हो, बिकॉज करेक्ट आंसर इज डॉक्टर वी के पॉल. ओके डॉक्टर वी के पॉल इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंसिडर लॉजिस्टिक्स इथिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. बाय द वे कल कौन से कंपनी ने वैक्सीन अनाउंसमेंट किया है, विच कंपनी अनाउंस द वैक्सीन यस्टरडे, विच कंपनी अनाउंस द वैक्सीन यस्टरडे, कौन से कंपनी ने वैक्सीन अनाउंस किया है कल. यस एब्सोल्युटली यस डॉक्टर वी के पॉल इज द मेंबर ऑफ नीति आयोग हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ के मेंबर है वो. एब्सोल्युटली फाइजर, फाइजर उन्होंने कहा है कि देयर वैक्सीन इज 90% इफेक्टिव, 90% इफेक्टिव. भारत बायोटेक एंड फाइजर. यस तो यस्टरडे जूम सीईओ लॉस्ट ऑलमोस्ट $5 बिलियन, $5 बिलियन आफ्टर फाइजर एंड भारत बायोटेक दे डिक्लेयर देयर गोल्ड खरीद लो 50 के कर नीचे गिरा हुआ है. यस यस धनतेरस के दिन, ऑन धनतेरस नितेश भाऊ, धनतेरस के दिन. चलो नेक्स्ट. अगला सवाल ये रहा आप लोग के स्क्रीन पर.
Who was appointed as the General Director General Naval Operations? Director General Naval Operations किसे अपॉइंट किया गया है? What happened to Sputnik 5? Yes, come on guys. Haven't read about Sputnik 5, रोहित Sputnik 5 के बारे में नहीं पढ़ा? Who is appointed as the Director General Naval Operations? रेडन रोहित ने कहा ए, पूजा ने कहा सी, वंदना ने कहा ए, विभव ने कहा पता नहीं. कम ऑन गाइस, फटाफट, 30 क्वेश्चंस इन टुडेज सेशन. 30 क्वेश्चंस, सब लोग 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. दुर्गेश ने कहा पता नहीं, मंदार, नितेश, रिशु, चेतन, कम ऑन गाइस, आप लोग आंसर करो जल्दी. आंचल ने कहा पता नहीं, कम ऑन गाइस, कम ऑन. नितेश, मंदार, किधर हो तुम लोग? आर यू देयर इन द क्लास? ऋषु ने कहा सी. चेतन ए. चेतन ने कहा ए, अनुकृति ने कहा पता नहीं, और नितेश और मंदार कहाँ गए? शायद चले गए वापस बटू. नितेश ने कहा पता नहीं, एंड द करेक्ट आंसर इज मंदार गया. हाँ, करेक्ट आंसर इज सी गाइस. वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी. ओके, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस एजिमला. ओके, एजिमला केरला. ओके, एजिमला केरला में वो अपॉइंट हुए थे. वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी. लर्निंग टू मेनी नेम्स प्रेसिडेंट एक्सेट्रा टू डिफरेंस, कैसे करेंगे सर? आचल, देर आर ओनली टू कीज. वन इज आप उसे कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, और दूसरा है रिविजन. दूसरा इज रिविजन. ओके, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, हमेशा याद रखो आचल. आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, इसीलिए रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैथ्स के लिए, मतलब पॉइंट्स के लिए, LRDI के लिए, VARC के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. डेली प्रैक्टिस करते हो ना क्वांटिटेटिव के लिए, LRDI के लिए, VARC के लिए, वैसे GK सेक्शन भी डिफरेंट नहीं है. GK सेक्शन को आपको रिविजन करना होगा, रिविजन. आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, हमेशा याद रखो. नेक्स्ट, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टील मेजर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL. SAIL की चेयरमैन कौन बनी है? सोमा मंडल, रीना मंडल, गुरप्रीति कौर, या फिर गुरमीत दे सिंह? कम ऑन गाइस, अनुकृति ने कहा सी, चेतन ने कहा डी, आंचल ने कहा सी, विभव ने कहा सी, रेडन ने कहा ए, वंदना ने कहा ए, नितेश ने कहा ए, पूजा ने कहा ए. ओके, दुर्गेश, दुर्गेश, ऋषु, आपका आंसर क्या है? दुर्गेश एंड ऋषु, वेटिंग फॉर योर आंसर. यू मस्ट बी लाइक दिस टुडे, ये आपका परफेक्ट कंडीशन होगा आज. ए बी सी डी, क्या कौन सा आंसर करे? यस और नो? ऋषु ने कहा ए, ऋषु सेड ए. ओके गाइस, कम ऑन. विभव, एंड ए इज द करेक्ट आंसर गाइस. सोमा मंडल. ओके, सोमा मंडल द फर्स्ट फीमेल सीईओ, फर्स्ट फीमेल चेयरमैन. ओके, फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ SAIL. ओके, SAIL. नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस? इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के चीफ कौन है? कामना देसाई, प्रमोद बसिन, देबू मुखर्जी, या फिर रवि नंदा? कम ऑन गाइस,
who has been appointed as the chairman of Indian Council for Research on International Economic Relation, ICRIER? रिशु ने कहा बी. ओके, रिशु ने कहा बी. विभव ने कहा पता नहीं. कम ऑन गाइस, कम ऑन. रोहित ने कहा बी. वंदना ने कहा बी. बाकी के लोग कम ऑन गाइस, कम ऑन. दुर्गेश ने कहा बी. निधि ने कहा, पूजा ने कहा बी. नितेश ने कहा पता नहीं. अनुकृति ने कहा पता नहीं. आंचल ने कहा पता नहीं. और चेतन ने कहा बी. एंड गाइज, बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, बी इज द करेक्ट आंसर. प्रमोद बासिन, ही वॉज ऑल्सो द फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ कैपिटल इंडिया लिमिटेड. फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ कैपिटल इंडिया. सर, जनवरी से अक्टूबर की सारी अपॉइंटमेंट्स. देर आर ओनली 30 क्वेश्चंस. ओके, 30 क्वेश्चंस है. रेडन, मैंने प्लस क्लास में मैंने कवर की है. इन माय प्लस क्लास आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. डायनामिक जीके में सारा कुछ जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, सारा जनवरी से लेकर अगस्त तक मैंने सारा कुछ कवर किया है. नेक्स्ट मंथ जब TISS का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और TISS के पहले एक जो हम टेस्ट सीरीज करेंगे ना, उसमें बेस्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ ईच कैटेगरी, बेस्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ ईच कैटेगरी, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, हर एक सेक्शन के 100 बेस्ट क्वेश्चंस निकालकर हम टेस्ट सीरीज करेंगे. ओके, नेक्स्ट. द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट approved the appointment of whom to head United Nations Crisis Response Team to prevent non-communicable disease in 90 countries around the world. Around the world. Sir, जब ये बड़े बड़े लोगों का appointment होता है तो इनका भी interview होता है क्या? Yes, 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 yes. होता है. Now that depends. Now that depends who wants to interview them. मोस्ट प्रोबेबली माइट बी टेक फ्रॉम होम हो सकता है, माइट बी टेक फ्रॉम होम हो सकता है रिशु, बट अभी तक पता नहीं. माइट बी चेंज, देर माइट बी सम चेंज हो सकते हैं, देर कुछ चेंजेस हो सकते हैं जरूर. सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट, तब तो मजे है. मजे नहीं होते हैं, मजे नहीं होते हैं. सो मंदार ने कहा पता नहीं, विभव ने कहा पता नहीं, रिशु ने कहा ए, रेडन ने कहा ए, रेडन ने कहा ए, एंड ए इज द करेक्ट आंसर गाइस. प्रवीण परदेशी. ओके, प्रवीण परदेशी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड सर, मैंने आत्मा भी घर से ही, आत्मा भी घर से ही दिया था. हाँ, you have to keep your camera on, you have to keep your microphone on, camera or microphone on करना होगा ना आप लोगों को. last year भी surprise दी. by the way Nitesh, how many seats in the Bihar Legislative Assembly, या फिर anybody in the class tell me how many seats in the Bihar Legislative Assembly. चलो अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर. Who has been elected as the new Prime Minister of Sri Lanka? 243, correct answer. Who has been elected as the new Prime Minister of Sri Lanka? So, sir, any registration update for Tisnet? Hi Sonu, not yet. No update for Tisnet yet. Abhi tak Tisnet ka notification nahi aaya hai. नितेश ने कहा बी, रेडन ने कहा ए, विभव ने कहा बी, ऋषभ, रिशु ने कहा बी, आचल ने कहा बी, मंदार ने कहा बी,
और पूजा ने भी कहा बी। तो गाइस 243 में से दे विल नीड 50%, 50% चाहिए उनको करने के लिए। सो हाउ मेनी सीट्स रिमेनिंग येट? सो एनडीए ऑलरेडी ऑलरेडी ऑन 121, ऑलरेडी ऑन 121, तो दो सीट्स और चाहिए एनडीए को। दे नीड टू मोर सीट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म गवर्नमेंट इन बिहार। यस, एंड द करेक्ट आंसर इज बी गाइज, महिंदा राजपक्ष। ओके, महिंदा राजपक्ष इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ओके, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, वेरी गुड। नेक्स्ट, गोइंग अहेड। ओके ओके, कांटे की टक्कर, जबरदस्त। हु हैज बीन अपॉइंटेड? ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? हरदीप सिंह पुरी, राजीव महेश्वरी, विजेंद्र पाल सिंह बडनोर या फिर जी सी मुर्मू। निधि का फेवरेट क्वेश्चन, हाँ, वैक्सीन लेने जाते हैं बिहार। नितेश ने कहा डी, दुर्गेश ने कहा ए, रोहित ने कहा डी, मंदार भाऊ वापस आ गए हैं, मंदार ने कहा डी, रिशु ने भी कहा डी, वंदना ने भी कहा डी, पूजा ने भी कहा डी, चेतन ने भी कहा डी, आंचल ने कहा डी। कम ऑन गाइस, बाकी के लोग कम ऑन, जल्दी जल्दी आंसर करो। फॉर्मर प्रेसिडेंट, आपके हिसाब से किसे आना चाहिए बिहार में? मुझे तो लगता है यादव, आई थिंक यादव शुड कम। जी सी मुर्मू। ओके, जी सी मुर्मू। सोनू, नॉट फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर ऑफ जे एंड के। प्रेसिडेंट नहीं थे वो इंडिया के, फॉर्मर गवर्नर थे जे एंड के। ओके, एंड जी सी मुर्मू इज द करेक्ट आंसर। जी सी मुर्मू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। यस यस यस, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस? लेफ्टिनेंट गवर्नर। यस यस, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, नॉट गवर्नर, क्योंकि जम्मू कश्मीर बिकेम अ यूनियन टेरिटरी ना, इसीलिए। हाँ, सबको सब कुछ पसंद नहीं होता बाबा, क्योंकि पढ़ाई नहीं करते अपन, अपन पढ़ाई नहीं करते। यस गाइस, कम ऑन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस? सूरज सिंह, संजय कुमार, हरदयाल प्रसाद, नीरज व्यास, मंदार, ऐसे नेम्स जहां पर होते हैं ना, यू शुड टेक इट एज अ चैलेंज। केबीसी में आया था कितने स्टेट्स एंड यूटी है करंटली, हाउ मेनी स्टेट्स, हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज, बताओ कोई भी। हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया टुडे? ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरिटरीज, करेक्ट, वेरी गुड। हरदयाल प्रसाद। ओके, हरदयाल प्रसाद एसबीआई कार्ड्स, ओके, एसबीआई कार्ड्स वाले हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट
लूटनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू के बाद करंट लूटनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? नीतेश ने कहा बी। हाय सोनू, आई एम नॉट अवेयर अबाउट एमएचसीटी। सोनू, एमएचसीटी के बारे में आई एम नॉट अवेयर। आई एम मुझे टिस के बारे में ज्यादा कुछ पता होता है। सो वंदना ने कहा बी, विभव ने कहा सी, चेतन ने कहा बी, मंदार ने कहा पता नहीं, पूजा ने कहा बी, दुर्गेश ने कहा बी, ऋषु ने कहा बी। सब लोग कह रहे हैं कि बी है। तो चलो गाइस, बी ही आपका करेक्ट आंसर। मनोज सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट लूटनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके चलो, अगला सवाल ये रहा आप सब लोगों के स्क्रीन पर। हु हैज बीन अपॉइंटेड, अरे ये तो हो गया, हु हैज बीन चोजन एज द हेड ऑफ द कमिटी बाय IRDAI टू वर्क ऑन इंडेक्स लिंक्स प्रोडक्ट। ओके, इंडेक्स लिंक प्रोडक्ट। यस मंदार, द गवर्नमेंट, द गवर्नर इज अपॉइंटेड, द गवर्नर इज अपॉइंटेड एंड नॉट इलेक्टेड। वो इलेक्टेड नहीं होते, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हु हैज चोजन एज द हेड ऑफ द कमिटी बाय IRDAI टू वर्क ऑन इंडेक्स लिंक्स प्रोडक्ट, इंडेक्स लिंक प्रोडक्ट। नितेश ने कहा सी, वंदना ने कहा सी, ऋषु ने कहा सी, विभव ने कहा पता नहीं, पूजा ने कहा सी, अनुकृति ने कहा सी, रोहित ने भी कहा सी, रोहित ने भी कहा सी, चेतन ने कहा सी, मंदार ने कहा सी, दुर्गेश ने कहा सी, एंड सिर्फ और सिर्फ मंदार भाव यहां पर सही है। करेक्ट आंसर इज दिनेश पंत। ओके, दिनेश पंत हैज बीन चोजन एज द हेड बाय IRDAI, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सितंबर का है। यस भाऊ, यस गाइस, कल शाम को 7 बजे जो सेशन होने वाला है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू बी देयर प्लीज। दिस इज गोइंग टू बी एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेशन। यू विल गेट टू लर्न अ लॉट what all things you can accomplish through an MBA program, how what approach you should have towards an MBA program. ये सारा कुछ will be discussed in tomorrow's session, and the speaker is an extraordinary modern day entrepreneur, Mr. Karan Shah. He is the executive director of Precision Camshafts, and he is an MBA from Harvard Business School 2016. So I want all of you guys to please be there कल शाम को 7 बजे on MBA's cat for Unacademy's cat for MBA channel. Okay sir, will PIT will take place this year or it will be same as previous year for TISNET? It will take place. We still have to wait for the notification Sonu. हमें notification भी देखना होगा सर। ये RRDR ने इनको किस कमिटी के लिए हेड बनाया था? इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट्स, इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लिए। ओके गाइस, तो प्लीज 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 अटेंड दिस सेशन विदाउट फेल, एंड ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू कम डाउन टू दिस सेशन। देर विल बी एन अमेजिंग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आफ्टर द डिस्कशन। यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चन टू मिस्टर करण शाह एंड ही विल बी हैप्पी टू हेल्प, हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट। Who has been appointed as the new election commissioner of India? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसमें से एक। Who has been appointed as the new election commissioner of India? नितेश ने कहा डी, नितेश ने कहा डी, वंदना ने कहा डी, चेतन ने कहा डी, ऋषु ने भी कहा डी, रेडन ने कहा सी, दुर्गेश ने कहा डी, अनुकृति ने कहा डी, विभव ने कहा डी, नीतेश ने कहा, नीतेश ने अपना आंसर चेंज किया। तो आई एम गोइंग टू कंसिडर द फर्स्ट आंसर, और मुझे पता था सिर्फ सिर्फ मंदर ही इस आंसर को सही देगा,
एंड आई थॉट रेडन तो सही देगा, बट मंदार पूजा और सोनू ने सही आंसर दिया है. इट्स राजीव कुमार. अशोक लवासा इज एक्स इलेक्शन कमिश्नर गाइज, एक्स इलेक्शन कमिश्नर. वो इलेक्शन कमिश्नर थे, ही रिजाइंड. ओके, ही रिजाइंड बिकॉज ही वेंट ऑन टू एशियन डेवलपमेंट बैंक. वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में गए एज वीपी. ओके, एज वीपी. सो द करेक्ट आंसर इज राजीव कुमार. इनके रेजिग्नेशन के बाद ही राजीव कुमार अपॉइंट हुए थे. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर वुमेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सिटी ग्रुप? यस यस, नितेश आंसर गलत नहीं करेगा, ये मुझे पता है. ये वाला क्वेश्चन परफेक्टली आंसर करेगा नितेश. नितेश, वंदना, विभव, चेतन ने कहा सी, मंदार ने भी कहा सी, पूजा ने भी कहा सी, दुर्गेश ने कहा पता नहीं, रिशु ने कहा सी, रेडन ने कहा सी. अचल, आर यू स्टिल देयर इन द क्लास? मे वी हैव योर आंसर? अनुकृति, अचल, सोनू, आर यू देयर इन द क्लास? आपका आंसर सोनू. सोनू, आर यू देयर इन द क्लास? एंड द करेक्ट आंसर गाइस, सी इज द करेक्ट आंसर. जेन फ्रेजर. ओके, जेन फ्रेजर इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट. विच एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज सेलिब्रिटी एडवोकेट बाय यूनिसेफ फॉर चिल्ड्रंस राइट्स कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड? सर, कॉलेज में हॉस्टल्स नहीं है क्या? कौन से कॉलेजेस में? वंदना, नितेश ने कहा डी, रेडन ने कहा डी, वंदना ने कहा डी, मंदार ने कहा डी, विभव ने कहा डी. गाइस, आज शाम को 7 बजे, 7 PM टुडे, वी विल हैव स्पेशल क्लास. ओके, फ्री स्पेशल क्लासेस टुडे अनअकैडमी एप्लीकेशन पर. डेली जीके अपडेट्स. ओके, डेली जीके अपडेट. एंड 8:30. ओके, 8:30 को जो आज टेस्ट होने वाला है 2 बजे. ओके, 2 बजे जो टिस्नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टेस्ट होने वाला है, उसका जीके सेक्शन एनालिसिस. ओके, उसका जीके सेक्शन एनालिसिस इन एट 8:30 सेशन. ओके, 8:30 सेशन को जीके सेक्शन एनालिसिस होगा, 8:30 इन माई स्पेशल क्लास. सो अगर इफ यू डोंट हैव द लिंक टू दिस क्लास, अगर आपके पास ये क्लास का लिंक नहीं है, प्लीज डीएम मी इन कैट फॉर एमबीए जीडी ग्रुप. ओके, कैट फॉर एमबीए जीडी ग्रुप में मुझे बताओ, आई विल गिव यू द लिंक. सर, टिस कॉलेज की बात कर रही थी मैं. होता है, होता है, होता है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी गाइज, आयुष्मान खुराना. ओके, आयुष्मान खुराना. टिस कैंपस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कैंपसेस इन द कंट्री. वंदना, इस में फर्स्ट ईयर में हॉस्टल ओनली प्रोवाइडेड टू अंडर प्रिविलेज प्रीपेयर एंड सेकेंड ईयर ऑल गेट हॉस्टेल्स. यस, चलो नेक्स्ट. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? कम ऑन गाइज, कम ऑन, कम ऑन गाइज. Who has been appointed as the chairman of the Supreme Court Legal Services Committee? मंदार ने बोला पता नहीं, मतलब अवगढ़ क्वेश्चन है. वंदना ने कहा पता नहीं, रेडन ने कहा ए, विभव ने कहा पता नहीं. नितेश ने कहा पता नहीं, पूजा ने कहा पता नहीं. दिस प्रोग्राम इज डन फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल प्रोग्राम्स, इम्प्लीमेंटिंग लीगल सर्विसेस प्रोग्राम्स. लीगल सर्विसेस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये कमिटी फॉर्म की गई है. एंड द करेक्ट आंसर इज
Rohiton Fali Nariman. Okay, Rohiton Fali Nariman is the appointed as the chairman of Supreme Court. Okay, Justice Nariman has been appointed as the Supreme Court Legal Services Committee. Next, which cricketer has been appointed as the trade envoy for advancing business ties with India by the Australian government? नितेश ने कहा डी, चेतन ने कहा डी, वंदना ने कहा डी, ऋषु ने कहा डी। काश मैंने स्टार्टिंग से करंट अफेयर्स के लिए बुक बनाया होता, आधा बुक्स में आधा मोबाइल में नोट्स है। मैं पहले ही बोला था भाई, मेंटेन अ बुक फॉर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए एक बुक मेंटेन करो और चार्ट्स में प्रैक्टिस करना, चार्ट्स में। दुर्गेश ने कहा डी, पूजा ने कहा डी, रोहित ने कहा सी, रोहित ने कहा सी। कम ऑन गाइस, कम ऑन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अदर पीपल, सब लोगों ने आंसर किया एंड द करेक्ट आंसर इज मैथ्यू हेडन गाइज। ओके, करेक्ट आंसर इज मैथ्यू हेडन। कैन एनीबडी टेल मी हु अलोंग विद मैथ्यू हेडन इज अपॉइंटेड एज ट्रेड एनवॉय? हु अलोंग विद मैथ्यू हेडन? मैथ्यू हेडन के साथ एक और को किया गया है। हाँ, लिसा कौन? लिसा सिंह, करेक्ट, लिसा सिंह, इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन। ओके, इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन, करेक्ट आंसर गाइस। वंदना एंड नितेश, करेक्ट। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन? गाइस, लास्ट 10 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, प्लीज डू नॉट गो। लास्ट 10 क्वेश्चंस। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन? Who is appointed as the new president of All India Tennis Association? ललित मिश्रा, अनिल जैन, नवीन पाठक या फिर प्रवीण कुमार? नितेश ने बोला पता नहीं, विभव ने भी कहा पता नहीं, मंदार भाऊ ने बोला बी, रोहित ने भी बोला बी, वंदना ने भी कहा बी, ऋषु ने भी कहा बी, पूजा ने भी कहा बी। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। चलो बाकी लोग, चेतन, दुर्गेश, चेतन, दुर्गेश, कम ऑन चेतन। दुर्गेश ने दे दिया आंसर। चेतन, आर यू देयर? आचल ने भी कहा पता नहीं, चेतन ने कहा बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर गाइज। अनिल जैन इज द करेक्ट, इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशंस। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? सॉरी, हु इज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? कम ऑन गाइज, विरल संभाजी, छत्रपति शिवाजी, मुकेश पाहवा या फिर अरुण कुमार सिन्हा? एनीबडी? मंदार ने कहा बी, पूजा ने कहा बी, आई विल गो विद बी, नितेश ने कहा बी, दुर्गेश ने भी कहा बी। कम ऑन गाइस, कम ऑन। रोहित ने भी कहा बी, ऋषु ने भी कहा बी, आचल ने कहा पता नहीं, चेतन ने भी कहा बी। नितेश बोला डीके। ओके सर, ये कब की न्यूज है? सितंबर ब्रो, दिस इज सितंबर। एंड द करेक्ट आंसर इज छत्रपति शिवाजी। ओके, छत्रपति शिवाजी इज, छत्रपति शिवाजी इज द करेक्ट आंसर। चलो, यस यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर R&D ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के R&D,
डिरेक्टर कौन बने हैं? अनिकेत मिश्रा, एम वी राजशेखर, डीपी आचार्य, पीएल सिंह। वंदना ने कहा ए, वंदना ने कहा ए, ऋषु ने कहा ए, विभव ने कहा पता नहीं, चेतन ने कहा ए, पूजा ने कहा ए, मंदार ने कहा बी, दुर्गेश ने कहा ए, दुर्गेश ने कहा ए, रोहित ने भी कहा बी, रोहित ने भी कहा बी। कमऑन बाकी के लोग, व्हाट इज योर आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज एम वी राजशेखर गाइज। ओके, एम वी राजशेखर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बजाज अलायंस लाइफ हैज अपॉइंटेड विच बॉलीवुड एक्टर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट एंड डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीडियम्स। आयुष्मान खुराना, शाहिद कपूर, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ। नितेश ने कहा सी, वंदना ने कहा सी, ओके, चेतन ने कहा ए, विभव ने कहा सी, ऋषु ने कहा सी, ओके, पूजा ने कहा ए, मंदार ने कहा ए, दुर्गेश ने कहा ए। नितेश तू एक चीज देख रहा है क्या? मंदार भाऊ कितने स्मूथली सब आंसर्स को आंसर कर रहे हैं, वो भी करेक्ट, एकदम करेक्ट। आर यू ऑब्जर्विंग? 4-5 घंटे गेमिंग करके भी मंदार भाऊ पढ़ाई करते हैं। नितेश, पूजा ने कहा ए, एंड गाइज ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर, दैट्स आयुष्मान खुराना। ओके, आयुष्मान खुराना, यस यस, पूछ सकते हैं, रेडन कैन बी आस्ट, कैट के इसमें पूछ सकते हैं, TISS में पूछ सकते हैं, इंटरव्यू पे व्हाट आर योर व्यूज ऐसे करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, HBO Top has appointed whom as its brand ambassador? HBO Top has been appointed whom as its brand ambassador? कुछ भी पूछ सकते हैं, करेक्ट। HBO Top appointed whom as its brand ambassador? चेतन ने कहा ए, मंदार भाऊ ने कहा ए, कम ऑन, वेरी गुड। तू दिसंबर में करेगा, ओके। ऋषु ने कहा ए, पूजा ने कहा पता नहीं, रोहित ने कहा ए, दुर्गेश ने कहा है। रोहित, अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं डेफिनेटली पूछूंगा, आई विल आस्क। हाय सोनिया, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास, यू हैव ऑलमोस्ट कम व्हेन वी आर अबाउट टू एंड द सेशन। सोनिया, यस, ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ड्वेन ब्रावो। ओके, ड्वेन ब्रावो, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बाय द गवर्नमेंट? ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF बाय गवर्नमेंट? यस, DJ ब्रावो। Come on guys, question number 26. Come on guys, question number 26. मंदार ने कहा ए, पूजा ने कहा ए, वंदना ने कहा ए, चेतन ने कहा ए,
दुर्गेश ने कहा ए ए ए एंड ए इज द करेक्ट आंसर गाइस, ओके ए इज द करेक्ट आंसर, सीमांचला दास, ओके सीमांचला दास हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट, विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ओके विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुक ओथ एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा इन सितंबर 2020. विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुक ओथ एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा इन सितंबर 2020. नहीं, ऋषु पूरे दिसंबर थोड़ी ना चलेगा, दिसंबर में वापस होगा, दिसंबर में वापस होगा, उस समय पर 100 क्वेश्चंस होंगे, हर इसमें हर सेक्शन में 100 क्वेश्चंस होंगे दिसंबर में. वंदना ने कहा ए और डी, नितेश ने कहा ए, रोहित ने कहा ए, विभव ने कहा ए, दुर्गेश ने कहा पता नहीं, मंदर ने कहा ए, ऋषु ने कहा ए, पूजा ने कहा ए, चेतन ने कहा ए. ओके गाइस, व्हाट आर योर आंसर्स, कम ऑन सर, आप ये टिस्क का वापिस लोगे ना? यस नितेश भाऊ, दिसंबर में पोस्ट 20, ओके पोस्ट 20 यूट्यूब पर भी लूंगा और अनअकैडमी पे भी लूंगा. कम ऑन गाइज, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, नहीं निकला रोहित भाई, ए इज द करेक्ट आंसर, एच डी देवेगौड़ा, ओके एच डी देवेगौड़ा इज द करेक्ट आंसर, ओके एच डी देवेगौड़ा इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हु इज सैक्ड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स, ओके 9 स्टैक्स, हु इज सैक्ड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स. 9 स्टैक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, सुरेश रायना. चेतन ने कहा डी, चेतन ने कहा डी. गाइज आज शाम को 7 बजे स्पेशल क्लास, डेली जीके अपडेट एंड 8:30 PM टिस पेपर एनालिसिस, टिस पेपर एनालिसिस. ए डी 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 सब लोग कह रहे हैं डी, सब लोग कह रहे हैं डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर गाइस. सुरेश रायना इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन प्लोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स. नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप टू लीड स्ट्रेटजी एंड डिलीवरी ऑफ द इंडियन मार्केटिंग सॉल्यूशंस बाय फेसबुक. डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप, संजीव रेड्डी, राहुल सचदेवा, अरुण श्रीनिवास, मुकुल गाबा. नितेश ने कहा सी, नितेश ने कहा सी, रोहित ने कहा पता नहीं, वंदना ने कहा सी, पूजा ने भी कहा सी, पूजा ने भी कहा सी, दुर्गेश ने कहा पता नहीं, मंदार ने कहा सी, ऋषु ने भी कहा सी. ओके कम ऑन गाइस, चेतन ने जय माता दी कहा सी, ओके और माता जी ने आपका आशीर्वाद बरकरार रखा है सी. अरुण श्रीनिवास इज द करेक्ट आंसर. रेडन यू कैन नाउ डाउनलोड ऑल द पीडीएफ फ्रॉम tinyurl.com/unacademy ऋषिकेश काटे. यू कैन फाइंड ऑल माई पी डी एफ ऑन दिस टाइनी यू आर एल. इस टाइनी यू आर एल पर मेरे सारे नवंबर के पी डी एफ आप लोगों को इस पर मिल जाएंगे.
सर बाबा का ढाबा वाले पर बाबा पर आपका क्या व्यू है? ही इज बीइंग रूड जस्ट नाउ, जस्ट आस्किंग, एक्चुअली ही इज मिसलेड, ही इज मिसलेड, समबडी इज बीइंग एन अपॉर्चुनिस्टिक इन दिस केस, कोई इस केस पर अपॉर्चुनिस्टिक हो रहा है, ही इज मिसलेड। ओके, ये इंडिया है भाऊ, कुछ भी हो सकता है इंडिया में। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सिंजो एबे? हु इज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सिंजो एबे? युकियो हाटोयामा, नाटा ओकान, योशिहाडे सुगा या फिर योशिहिको नोडा? यस, दिस इज अ पीस ऑफ केक गाइस, लास्ट क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ केक। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज पीस ऑफ केक। युको हाटोयामा, नाटा ओकान, योशिहाडे सुगा या फिर योशिहिको नोडा? सब लोग कह रहे हैं कि ये आंसर सी है, एंड ये आंसर सी ही है, योशिहाडे सुगा। ओके, योशिहाडे सुगा। मैं नोबिता से ज्यादा सिंचन के कैंपेन में हूं, आई एम मोर इन सिंचन कैंपेन, हालांकि उनके नाम बड़े अजीब होते हैं, पर फिर भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्या ही कर लेंगे, ये भी ठीक है। I will run for Sinchen. I will run for Sinchen and Kochika में. मैं Sinchen और Kochika में पर ज्यादा जाऊंगा. Okay. So that is all from my side for today, guys. All the people, अगर आपको ये test अच्छा लगा है तो please do not forget to like this video. इस video को like जरूर कीजिए guys. And please, please, please. प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स गाइज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप सब लोगों के साथ शेयर करो, सो दैट एवरीबडी इज प्रिपरेशन विल बी सिंप्लीफाइड। वी ऑलरेडी हैव छोटा भीम फॉर इंडियन पीएम, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं इन कंट्रीज का, डू दिस कंट्रीज स्टडी अबाउट? यस यस दे डू, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड टोपोग्राफी फ्रॉम देम, फॉर देम बहुत डाइवर्सिफाइड है इंडिया के पॉलिटिक्स से, इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर से, इंडिया के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर से, ये तीनों भी सेक्टर से देर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर कंट्रीज, इसीलिए दे स्टडी इंडिया का स्टडी करते हैं। यस यस करेक्ट करेक्ट ओके सिंचन मासुजागा मैम विल बी द वाइस प्रेसिडेंट फॉर सिंचन्स कैंपेन, मासुजागा मैम। चलो गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडे सेशन। आज लेट्स मी जस्ट क्विकली टेल यू अबाउट द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन विदाउट वी पार्ट वेज फॉर टुडे। दीज आर सम अमेजिंग सब्सक्रिप्शन प्लान्स स्पेशली डिजाइन एंड ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, so that you can have access to quality training and with top educators of the country. So you can go for the 1 year subscription plan that goes for 15,750 rupees only. And if you want to start your preparation early, first year hai, second year hai, aapke graduation ka ya third year hai, aapke engineering ka, go for the 2 year subscription plan that goes for 18,900 rupees only. And don't forget guys, don't forget to use this discount code RUSHI to use the 10% discount aapke subscription par. So this is these are some amazing popular courses on Unacademy, so not only you, even your friends and family can be benefited through it. So if anybody is preparing for civil services, for banking, for railways, for IIT, for medical, simply ask them to check out these amazing courses guys. Last but not the least, please do not forget to subscribe to our YouTube channel Unacademy Cat for MBA. Like the videos guys, share the videos with your friends, please do that. बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन मैंने किया है. Press the bell icon so that we do not miss any update.
टेलीग्राम चैनल हमारा कैट फॉर एमबीए है एंड माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल इज अन अकेडमी अंडरस्कोर ऋषिकेश काटे. थैंक यू एवरीबडी. मंदार, नितेश, रोहित, पूजा, वंदना, आचल, चेतन, दुर्गेश, रिशु, एवरीबडी हु ज्वाइन इन टुडेज डिस्कशन, थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे अहेड. शाम को मिलते हैं 7 बजे इन माय स्पेशल क्लास डेली जीके अपडेट्स. टिल देन यू गाइस हैव अ वेरी गुड डे अहेड. लेट्स क्रैक इट गाइस. Bye-bye, have a good day.